नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। खबरों की शुरुआत करते हैं एक बड़ी जानकारी के साथ। ग्रेटर नोएडा से ये जानकारी, जहां प्ले स्कूल में 3 साल की मासूम का यौन शोषण किया गया है। ये बड़ी जानकारी है, स्कूल में ही मासूम के साथ गंदी हरकत की गई है। बच्ची को दर्द होने पर परिजनों को पता चला और पिता ने थाने में अब FIR दर्ज करा दी है। अज्ञात पर यह FIR दर्ज की गई है। आयकर विभाग के अफसर मासूम के पिता है। CCTV फुटेज खंगालने में पुलिस जुट चुकी है। बिसरख थाना क्षेत्र स्थित प्राइवेट प्ले स्कूल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। 3 साल की मासूम के साथ हैवानियत की गई है, ये बड़ी जानकारी है। बच्ची को परेशानी होने पर परिजनों को पता चला, जिसके बाद से इसका खुलासा हुआ। फिलहाल जो पिता है बच्ची के, उन्होंने थाने में FIR दर्ज करा दी है। CCTV फुटेज खंगालने में पुलिस जुट गई है। इस पूरे मामले पर अब संज्ञान ले लिया गया है। पुलिस पूरी तरह से तत्परता दिखा रही है, जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। तमाम जो CCTV लगे हुए हैं इस प्ले स्कूल में, उन सभी को खंगाला जा रहा है और आसपास के कैमरों पर भी नजर है। फुटेज जो है वो निकाली जा रही है आसपास की, और लगातार कोशिश की जा रही है कि जो आरोपी है वो जल्द से जल्द गिरफ्त में आ सके। पुलिस का कहना है कि बहुत ही जल्द जो आरोपी है, जो युवक है, उसे पकड़ लिया जाएगा। फिलहाल आपको बता दें कि जो युवक है वो अज्ञात है, अभी पता नहीं चल पाया कौन है। रजत कुमार मासा जुड़ गए हैं ग्रेटर नोएडा से। रजत, बहुत ही शर्मसार करने वाला एक मामला यहां पर देखने को मिला है, क्या कुछ जानकारी आ रही है, पुलिस कितना आगे बढ़ पाई है? देखिए, ये जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट का एक मामला है, जहां पर प्ले स्कूल है, जो कि वहां पर मामला सामने आया, 3 साल की मासूम बच्ची के साथ जहां पर दुष्कर्म। रजत, आप तक हमारी आवाज आ पा रही है? जी बिल्कुल, आवाज पहुंच रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ग्रेटर नोएडा वेस्ट का मामला, जहां पर जो प्ले स्कूल है और वहां पर एक मामला सामने आया, जहां पर बताया जा रहा है 3 साल की बच्ची के साथ एक युवक ने कहे तो एक हरकत की है। हालांकि पुलिस का मानना है कि वो CCTV में भी देखा जा रहा है कि किस तरीके से, जो कि एक इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीर है, वो देखी जा रही है। और एक बच्चे है जो कि 3 साल जिसकी उम्र है, उसके साथ यौन शोषण करने का प्रयास किया गया है। हालांकि परिजनों के तहरीर के बाद बिसरख थाने में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, और साथ ही जो युवक है उसकी पुलिस तलाश कर रही है। फिलहाल रजत, जो परिवार वाले हैं उनका क्या कुछ कहना है? परिजनों का कहना है कि जब बच्ची, हालांकि उसने बता नहीं पाया था, लेकिन जो CCTV सामने आया है उसमें वो व्यक्ति है जो अज्ञात है, और उसी को लेकर पुलिस ने जब इस मामले की संगीता से जांच की और परिजनों ने पूरा तहरीर दी है और बच्ची को मेडिकल के लिए भेजा है। साथ ही अब पुलिस को कहीं ना कहीं जो CCTV मिला है उसके आधार पर पुलिस का कहना है कि हम जल्द ही जो आरोपी है उसकी तलाश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से परिजनों ने तहरीर दी है, हालांकि अब परिजनों को भी पुलिस पर विश्वास है कि अब कहीं ना कहीं जो आरोपी है उसे पुलिस तलाश कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो तस्वीर है वो एक कहीं ना कहीं एक इंसानियत पर को शर्मसार करने वाली है, कि जिस तरीके से 3 साल की मासूम के साथ ऐसी घटना को अंजाम देना कहीं ना कहीं एक इंसानियत को शर्मसार करती है। बिसरख थाना क्षेत्र के प्ले स्कूल है, वहां का ये मामला है। जी रजत, ये भी जानना चाहेंगे कि जो स्कूल प्रशासन है, क्या उसकी तरफ से कोई सफाई दी गई है, क्योंकि मामला बहुत बड़ा है और संगीन मामला है काफी। स्कूल प्रशासन की माने तो जो युवक है, हालांकि पुलिस स्कूल प्रशासन कोई नाम नहीं बता रहा, उसका कहना है कि अज्ञात है, लेकिन जिस तरीके से एक स्कूल के अंदर घुसकर ऐसी हरकत करना कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है। रजत, बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो मासूम का यौन शोषण किया गया है।